जगन्नाथपुरी की सत्य घटना। श्री जगन्नाथपुरी से 10 कोस दूर पिपली चट्टी ग्राम में रघु केवट का घर था। घर में स्त्री और बूढ़ी माता थी। सवेरे जाल लेकर रघु मछलियां पकड़ने जाता और पकड़ी हुई मछलियों को बेचकर परिवार का पालन करता। पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों के प्रभाव से रघु के हृदय में भगवान की भक्ति थी। वह अत्यंत दयालु था। मछली जब उसके जाल में फंस कर आकर तड़पने लगती तब उसका चित्त व्याकुल हो जाता। उसे अपने कार्य पर ग्लानि होता, परंतु जीवन निर्वाह का दूसरा कोई साधन न होने से वह अपने व्यवसाय को छोड़ नहीं पाता था। रघु ने एक अच्छे गुरु से भिक्षा ले ली थी, गले में तुलसी की कंठी बांध ली थी। सवेरे स्नान करके भगवान नाम का जाप करता था। भागवत सुनना और सत्यंग में जाना उसका दैनिक कार्य हो गया था। इस सब से उसका अंतकरण धीरे धीरे शुद्ध हो गया। जीव मात्र में भगवान विराजमान है, यह बात उसके समझ में आने लगी। जीव हिंसा से उसे अब तीव्र वृत्ति हो गई। रघु के लिए मछली पकड़ना बहुत ही कलेशदायक हो गया। उसने इस काम को छोड़ दिया। कुछ दिन तो घर के संचित अन्न से काम चल रहा, पर संचय था यह कितना, उपवास होने लगा। घर में तात्री तात्री मच गई। पेट की ज्वाला तथा माता और स्त्री के तिरस्कार से व्याकुल होकर रघु फिर जाल उठाना पड़ा। वह स्वयं तो भूखे से प्राण दे सकता था, पर वृद्धा माता और पत्नी का कष्ट उससे सहा नहीं जाता था। पछताता भगवान से प्रार्थना करता, मछली की स्वर एक दिन वह तालाब पर गया। जाल डालने पर एक बड़ी सी लाल मछली उसमें आई और जल से निकलने पर तड़पने लगी। रघु का हृदय छटपटा उठा। उसे स्मरण आया कि सभी जीव में भगवान है। उस तड़पती मछली में स्पष्ट रूप से भगवान प्रतीत होने लगे। इसी समय उसे माता और पत्नी की भूखी आकृति का स्मरण हुआ। दुखी व्याकुल रघु ने मछली को जाल से निकालकर पकड़ा और कहने लगा, मत्स्य रूपधारी हरि, मेरे दुख की बात सुनो। तुम्हीं मुझे धीवर बनाया है। जीवों को मारकर पेट भरने के सिवा और कोई दूसरा उपाय मैं जीवन निर्वाह का नहीं जानता। इससे तुमको मारने के लिए मैं विवश हूँ। तुम हरि हो या और कोई, आज मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकते। रघु ने दोनों हाथों से जोर से मछली का मुंह पकड़ा और उसे फाड़ने लगा। सहनसा मछली के भीतर से स्पष्ट शब्द आया, रक्षा कर नारायण, रक्षा कर। रघु चकित हो गया, उसका हृदय आनंद से भर गया। मछली को लेकर वह वन की ओर भागा। वहाँ पर्वत से बहुत से झरने गिरते थे, उन झरनों ने अनेक जल कुंड बना दिए थे। रघु ने एक कुंड में मछली डाल दी। रघु भूल गया वह कई दिन से भूखा है, भूल गया कि घर में माता तथा स्त्री उसकी प्रतीक्षा करती होंगी। वह तो कुंड के पास बैठ गया। उसके नेत्रों से दो झरने गिरने लगे। वह भरे कंठ से कहने लगा, मछली के भीतर से मुझे तुमने नारायण नाम सुनाया, अब तुम दर्शन क्यों नहीं देते? तुम्हारा स्वर इतना मधुर है तो तुम्हारी छवि कितनी सुंदर होगी। मैं तुम्हारा दर्शन पाए बिना अब यहाँ से नहीं उठूंगा। ब्राह्मण वेश में भगवान रघु को वहाँ बैठे बैठे 3 दिन हो गए। वह नारायण नारायण रट लगाया था, नारायण में तन्मय था। एक बूंद जल तक उसके मुंह में नहीं गया। फिर दिन और रात का उसे पता ही नहीं था। भक्ति की सदा खोज खबर रखने वाले भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में वहाँ आए और पूछने लगे, अरे तपस्वी, तू कौन है? तू इस निरंजन वन में क्यों आया? कब से बैठा है यहाँ? तेरा नाम क्या है? रघु का ध्यान टूटा। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके कहा, महाराज मैं कोई भी हूँ, आपको मुझसे क्या प्रयोजन है? बातें करने से मेरे काम में विघ्न पड़ता है, आप पधारे। ब्राह्मण ने तनिक हंस कर कहा, मैं तो चला जाऊंगा, पर तू सोच तो सही कि मछली भी कहीं मनुष्य की बोली बोल सकती है। तुझे भ्रम हो गया है, जब कुछ उस मछली में ही नहीं है तो
तब तुझे किसके दर्शन होंगे? तू यहाँ व्यर्थ क्यों बैठा है? घर चला जा। रघु तो ब्राह्मण की बात सुनकर चौंक पड़ा। उसने समझ लिया कि मछली बात जानने वाले ये सर्वज्ञ के मेरे प्रभु ही हैं। वह बोला, भगवान, जब जीवों में परमात्मा ही है यह बात मैं जानता हूँ। मछली के शरीर में से वे ही बोलने वाली है। मैं बड़ा पापी हूँ, जीव की हत्या की मैंने। क्या इसी से आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? आप ही तो नारायण हैं। आप प्रकट होकर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? मुझे क्यों तरसा रहे हैं? ना चतुर्भुज रूप में दर्शन भक्त की प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर कृपा सागर प्रभु अपनी दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। रघु तो एकाटक देखता रह गया उस लवण्य राशि को। वह आंसू बहाता हुआ प्रभु के चरणों में लौटने लगा। भगवान ने उसे भक्ति का आशीर्वाद देकर और भी वर मांगने को कहा। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपको दर्शन हो गए और आपने भजन का आशीर्वाद दे दिया, फिर अब मांगने को क्या रहा? परंतु आपकी आज्ञा है तो मैं छोटी सी वस्तु मांगता हूँ। जाति से धीवर हूँ, मछली मानना मेरा पृथक स्वभाव है। मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मेरा यह स्वभाव छूट जाए। पेट के लिए भी मैं कभी हिंसा ना करूँ। अंत समय में मेरी जीभ आपका नाम रटती रहे और आपका दर्शन करते हुए मेरा प्राण निकले। भगवान ने रघु पर हाथ रखकर तथास्तु कहा और अंत धन्य हो गए। रघु वचन सिद्ध महात्मा भगवान का दर्शन पाकर रघु संपूर्ण बदल गया। वह भगवान नाम के कीर्तन करता हुआ घर आया। गांव के लोगों ने इसे धिक्कारा कि माता और स्त्री को निराला छोड़कर वह भाग गया था। दया करके गांव के जमींदार ने बेचारी स्त्रियों के लिए अन्न का प्रबंध कर दिया था। रघु ने इसे भगवान की दया ही मानी। यदि वह घर पर रहता तो जमींदार या कोई भी एक चट्टाक अन्न देने वाला नहीं था। अब वह प्राप्त सोच इस नांदी से निवृत्त होकर भगवान का भजन करता और वे कीर्तन करता हुआ गांव में घूमता। बिना मांगे ही लोग उसे बुलाकर अनेक पदार्थ देते। इस प्रकार अनायास उसका तथा परिवार का पालन पोषण होने लगा। उसकी माता तथा स्त्री भी अब भजन में लग गई। रघु अब भजन के प्रभाव से पूरा साधु हो गया। दिन रात उसका मन भगवान में लगा था। वह नाम कीर्तन करते करते बेशुद्ध हो जाता था। अब रघु की स्थिति ऐसी हो गई कि उनके मुख से जो निकल जाता वही सत्य हो जाता। वे वचन सिद्ध महात्मा माने जाने लगे। दूर दूर से नाना प्रकार के कामना वाले स्त्री पुरुषों की भीड़ आने लगी। रघु इस पंचक से घबरा गए। मान प्रतिष्ठा उन्हें वेश्या लगती थी। घर छोड़कर वे निरंजन वन में रहने लगे और 24 घंटे केवल भजन में ही बिताने लगे। एक दिन रघु को लगा कि मानो नीलाचल नाथ जगन्नाथ जी उनसे भोजन मांग रहे हैं। इससे उन्हें बड़ा आनंद हुआ। भोजन सामग्री कर उन्होंने कुटिया का द्वार बंद कर लिया। भक्त के बुलाते ही भाव के भूखे श्री जगन्नाथ प्रकट हो गए और रघु के हाथ से भोजन करने लगे। भोग मंडप में दर्पण उधर उसी समय नीलाचल में श्री जगन्नाथ जी के भोगंड में पुजारी ने नाना प्रकार के पकवान सजाए। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में भोग मंडप अलग है। भोग मंडप में एक दर्पण लगा है। उस दर्पण में जगन्नाथ जी के श्री विग्रह का जो प्रतिबिंब पड़ता है उसी को नवेद चढ़ाया जाता है। जब सामग्री आ जाने पर पुजारी जब भोग लगाने लगा तब उसने देखा कि दर्पण में प्रतिबिंब तो पड़ता ही नहीं है। दर्पण जहाँ का तहाँ था, बीच में कोई आड़ भी नहीं थी, पर प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा था। घबराकर वह राजा के पास गया। उसने कहा, महाराज नवेद में कुछ दोष होना चाहिए, श्री जगन्नाथ स्वामी उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अब क्या किया जाए? श्रद्धालु राजा ने स्वयं देखा कि दर्पण में प्रभु का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे कहने लगे, पता नहीं मुझसे क्या अपराध हो गया है कि मेरी सामग्री से अर्पित भोग प्रभु स्वीकार नहीं करते। मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो प्रायश्चित करने को मैं तैयार हूँ। स्वप्न राजा प्रार्थना करते हुए
होकर भगवान की गरुड़ ध्वज के पास जाकर भूमि पर ही लेट गए। भगवान की लीला से लेटते ही उन्हें त्रंदा आ गई। उन्होंने स्वप्न में देखा कि प्रभु कह रहे हैं, राजा तेरा कोई अपराध नहीं, तो दुखी मत हो, मैं नीला जल में था ही नहीं, तब प्रतिबिंब किसका पड़ता, मैं तो इस समय पिपली चट्टी ग्राम में अपने भक्त रघु केवट की झोपड़ी में बैठा उसके हाथ से भोजन कर रहा हूँ। वह जब तक नहीं छोड़ता, मैं यहाँ आकर तेरा नवेद कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। यदि तू मुझे यहाँ बुलाना चाहता है तो मेरे उस भक्त को उसकी माता तथा स्त्री के साथ यहाँ ले आ, यही उनके रहने की व्यवस्था कर। राजा का स्वप्न टूट गया, वे एकदम उठ खड़े हो गए, घोड़े पर बैठकर शीघ्रता से पिपली चट्टी पहुँचे, पूछ पाछ कर रघु केवट की झोपड़ी का पता लगाया। जब कई बार पुकारने पर भी द्वार ना खुला, तब द्वार बल लगाकर स्वयं खोला उन्होंने। कुटिया का दृश्य देखते ही वे मूर्ति की भांति हो गए। रोमांचित शरीर रघु सामने भोजन रखे किसी को ग्रास दे रहा है। रघु दिखता है, अन्न दिखता है, ग्रास दिखता है, पर ग्रास लेने वाला मुख नहीं दिखता। राजा चुपचाप खड़े रहे। वह अज्ञात मुख तो जिसे कृपा करके वह दिखाना चाहे वही बड़ भाग्य देख सकता है। सहसा प्रभु अन्न धान्य हो गए। प्रभु जल से निकाली मछली की जल्दी ठीक हो जाए। जिस दिन वे पूरी तरह से ठीक होते हैं, उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। खुद पे तकलीफ लेकर अपने भक्तों का जीवन सुखमय बनाए, ऐसे तो सिर्फ मेरे भगवान ही हो सकती हैं। जय जगन्नाथ जी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे खास वीडियो एंड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।